नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारा सवाल एक चल रहा है अरसा से कि बात कहते हैं सुबह नहार मुंह पानी पीना चाहिए, बात कहते हैं नहार मुंह नुकसानदेह है, तबाही है। अच्छा, बात कहते हैं जनाब डॉक्टर ने मना किया खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बात कहते हैं नहीं खाने के बाद पानी चाहिए, तो इसकी हकीकत क्या है? मेरे दीदो, आइए मैं आपको सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ। आमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्वाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी बात यह है हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना, हुजूर की सुन्नत, सुन्नत हमारे लिए रोल मॉडल है, नमूना है। आइए मैं आपको बताता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नबीज इस्तेमाल फरमाते थे। नबीज किसे कहते हैं? छुआरे पानी में, पानी में डालकर उसको पीना, ये सुबह इस्तेमाल फरमाते थे, वो एक किस्म का पानी है। फिर एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद में पानी मिलाकर इस्तेमाल फरमाते थे, शहद पानी में मिलाकर इस्तेमाल फरमाना वो भी एक पानी है। इसे तो ये सुबह में इस्तेमाल फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये साबित हुआ। इसी तरह मेरे अजीजो, पानी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में रिवायत है कि एक दफ़ा खाना खाया, खाना नोश फरमाया, उसके बाद आपने शरबत नुमा चीज पी, वो भी एक किस्म का पानी है। एक रिवायत में खजूरें खाई, उसके बाद आपने पानी पिया, वो भी एक किस्म का पानी है। खजूरें खाने के क्या मकाम है? उस वक्त मेरा दीदो ना पराठे मिला करते थे, ना बिरयानी मिला करती थी, ना कौरमे मिला करते थे, ना रोटियां आम थी, खजूर भी खाना था उस वक्त। वो नहीं फरमाती सैयद सीधे का रजी अल्लाह तआला ने कि तीन तीन चांद दो दो महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, दो चीज़ों पर गुजारा होता था, एक पानी एक खजूर। तो खजूर एक खाने के कायम मकाम था, खाना था, तो खजूर के बाद पानी पीना यूँ समझो खाने के बाद पानी पिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हम कहते हैं खाने के बाद पानी ना पियो, मेरा दीदो वाफिर पानी ना पिए, जब चीज़ ज़रूरत ना हो तो बगैर ज़रूरत के पानी ना पिए, खूब भूख ना हो खाना ना खाएं, प्यास ना हो पानी ना पिए, प्यास हो पानी चाहे खाने के से पहले पिए तो भी कोई हर्ज नहीं, बाद पिए तो भी कोई हर्ज नहीं। इसलिए साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रिवायत सरकार धर्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया तीन हिस्से करो पेट के, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए। तो खाने के साथ पीना खुद सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया, तो आप कैसे मना करते हैं मेरे अजीजों? अजीब बात है। आज रही बात तहकीक की, डॉक्टरी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, साइंसदानों की, अगर वो कहते हैं तो आज आपको मतलब बहुत सारी तहकीकें साइंसदानों की, 50 साल चलिए, 50 साल के बाद नई तहकीक आ गई जनाब वो गलत थी, 100 साल तहकीक चली, 100 साल के बाद तहकीक आ गई जनाब वो गलत थी। तो असल हमारे लिए नमूना, मेयार, रोल मॉडल, हतमी फैसला और हतमी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कौल है, अमल है। तो आइए हम हुजूर के फरमान पर सुबह पानी पिए तो भी हुजूर के फरमान पर, खाने के बाद पानी पिए तो भी हुजूर के फरमान पर, टिप के अतबार से आप एहतियात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। डॉक्टरों के कहने पर, हकीमों के कहने पर, मुस्तनद डॉक्टरों के कहने पर अगर आप एहतियात पर अमल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, पानी नहीं पीते खाने के बाद कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसको ये ना कहे कि सुनत के खिलाफ है कि बाद में पानी पीना, ये ना कहे सुबह नहार मुंह पानी पीना सुनत के खिलाफ है, खाने के बाद पानी पीना सुनत के खिलाफ, ये ना कहे। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम